आज हम बनाने वाले हैं मेथी की भाजी, वो भी शेंगदाने या मूंगफली के दानों में। हेलो, आपका स्वागत है शमा फूड किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं मेथी की भाजी, जो सर्दियों में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मेथी की भाजी बनाने के लिए हमने ली है 3 हरी मिर्च कटी हुई, 1 प्याज कटा हुआ, आधा टमाटर कटा हुआ, शेंग दाने और मूंगफली के दाने। और ये हमने मेथी ली है जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। आपको ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। राई के दाने डालेंगे, उनको चटकने देंगे। अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे। उसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे। हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, इसको भी अच्छी तरह सौते कर लेंगे। टमाटर डालेंगे, इसको भी हल्का सौते कर लेंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारी मेथी की भाजी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी आपको खाने में, इसलिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें मेथी की भाजी को डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। ध्यान रखें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम इसको हल्का सा पलट लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, मेथी की भाजी ने पानी छोड़ दिया है और ये अपने ही पानी में पकेगी, तो इसलिए आपको इसमें पानी नहीं डालना है। और मेथी की भाजी को ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। देखिए, हम शेंगदाने को इस तरह से कूट कर डाल देंगे। ये देखिए, मेथी का पानी सूख गया है, तो इस स्टेज पर हम इसमें शेंगदाने या मूंगफली के दानों को डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2 सेकंड के लिए इसको ढककर हम थोड़ी देर बाद इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारी मेथी की भाजी बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारी मेथी की भाजी बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।